शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिषागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूँ। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी चर्चा आजकल गोचर को लेकर शुरू हो चुकी है और मेरी कोशिश पिछले दिनों रही कि आपको मेष लग्न के बारे में, बृहस्पति देवता का जो गोचर उसके मेष लग्न में तीसरे भाव में भ्रमण शुरू किया उसकी जानकारी दूँ। कल मेरी कोशिश रही वृष लग्न की कुंडली में जो बृहस्पति देवता का गोचर दूसरे भाव में गोचर का भ्रमण शुरू हुआ उसकी जानकारी दूँ। आज अपनी इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाता हुआ बात करते हैं मिथुन लग्न की कुंडली। मिथुन लग्न की ये इसलिए बनी क्योंकि लग्न में ही तीन नंबर लिखा है और मिथुन राशि में मिथुन राशि के मालिक स्वामी ग्रह बुध देवता होते हैं। बुध देवता ने बृहस्पति देव को क्या दिया? प्रिय दर्शकों, बुध देव ने बृहस्पति देव को सातवें भाव का मालिक बनाया। सातवां भाव हमारी डेली वेजेस का, सातवां भाव दाम्पत्य सुख का, सातवां भाव हमारी पार्टनरशिप का और बृहस्पति देव को साथ में दशम भाव का स्वामी बनाया। दशम भाव हमारे कामकाज का, हमारे कर्म का, हमारे एक्शंस का, हमारी लाइफस्टाइल का, हमारे राज दरबार का। तो बृहस्पति देव इस लग्न कुंडली में दो अच्छे भावों के स्वामी माने जाते हैं प्रिय दर्शकों, और बृहस्पति देव मिथुन लग्न की कुंडली में गोचर का भ्रमण 1 जून 2013 से, जो यहाँ दूसरी राशि छोड़कर यानी 12वें भाव को छोड़कर उन्होंने लग्न में जो भ्रमण शुरू किया है वो आपको कितना अच्छा या कितना बुरा फल दे सकते हैं, आइए इसकी विस्तृत जानकारी आपको देता हूँ। प्रिय दर्शकों, मेरी हमेशा से कोशिश ये रहती है कि गोचर के दोनों पहलुओं से आपको वाकिफ करवाया जाए। अगर आपकी मिथुन लग्न की कुंडली है तो ये ज़रूरी नहीं कि बृहस्पति सदैव लग्न में आए हुए गोचर के भ्रमण काल में आपको अच्छा फल देंगे या बृहस्पति सदैव आपको बुरा फल ही देंगे। ये बात बहुत विस्तार पूर्वक अब आप समझ चुके हैं कि आपकी जन्म कुंडली ही आपके गोचर का आधार माना जाता है। अगर आपकी मिथुन लग्न की कुंडली है और बृहस्पति देवता आपकी जन्म लग्न कुंडली में कहीं केंद्र में या कहीं त्रिकोण में या अपने किसी कारक अच्छे भाव में बैठे होंगे तो गोचर में आए हुए लग्न में वो सदैव शुभ फलकारी होंगे, और अगर बृहस्पति देवता कहीं 3, 6, 8, 12 में भरे हों और केंद्राधिपति दोष से दूषित पड़े हों आपकी जन्म लग्न कुंडली में, तो बृहस्पति देवता का आपकी निटल चार्ट में लग्न में आना बहुत ज़्यादा शुभ फलकारी नहीं होगा। और मेरी विस्तृत रूप से जानकारी ये रहती है, कोशिश ये रहती है कि आपको जानकारी दे पाऊँ ताकि दोनों पहलू आप पढ़ पाएँ, समझ पाएँ और अपनी कुंडली पर अप्लाई करके देख पाएँ। पहले बात करते हैं प्रिय दर्शकों, अगर आपकी जन्म लग्न कुंडली में जो मिथुन लग्न की है उसमें बृहस्पति देवता 3, 6, 8, 12 में केंद्राधिपति दोष में दूषित होकर के अपनी दशा अंतरदशा में अशुभ फलकारी हैं तो वो लग्न में आए हुए कैसा फल देंगे? मैं आपको ये पहले भी जानकारी देता आया हूँ कि अगर जन्म लग्न कुंडली में अशुभ फलकारी हैं तो लग्न में आए हुए भी सदैव आपको अशुभ फलकारी ही होंगे क्योंकि आपकी जन्म लग्न कुंडली ही गोचर का आधार बनती है। तो जो जन्म लग्न कुंडली में अशुभ फलकारी होंगे वो लग्न में आए हुए जातक को हेल्थ प्रॉब्लम्स देंगे, जातक को मेंटली डिस्टर्ब करेंगे, जातक की छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम को बड़ा करने में बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करेंगे। यहाँ से जितनी दृष्टि पंचम भाव पर डाली तो संतान को कष्ट आने का योग बनता है, संतान से कष्ट आने का योग बनता है, पेट में प्रॉब्लम होने का योग बनता है, लवर मास में नाकामयाबी होने का योग बनता है, अनसर्टेन लॉस होने का योग बनता है, मेमोरी और विल पावर में भी दिक्कत परेशानी आने का योग बनता है, यानी पंचम भाव संबंधी भी सारे अशुभता के रिजल्ट बृहस्पति देव अवश्य देंगे क्योंकि आपकी जन्म लग्न कुंडली में वो अशुभ बैठे हैं। यहाँ से बृहस्पति देव ने जितनी दृष्टि सप्तम भाव पर डाली पार्टनरशिप में कलह क्लेश मचवाने का योग बनवा देंगे, डेली वेजेस को बुरी तरह हिट करेंगे और डेली वेजेस में भी रुकावटें पैदा करके आपका डेली वेजेस का कार्य भी उथल पुथल कर देंगे, और साथ में ही दाम्पत्य सुख में भी कलह क्लेश मचवाने का योग अवश्य बना देंगे। यहाँ से बृहस्पति देव ने जितनी नवम दृष्टि नवम भाव पर डाली पिता से मनमुटाव होने का योग बनता है,
जातक धर्म को मानना छोड़ सकता है। जातक अगर विदेश यात्रा करता है तो वहाँ बहुत ज़्यादा लाभ नहीं मिलता। जातक परमात्मा से भी लड़ाई करके बैठ जाता है, वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाता। सक्सेस उससे कोसों दूर चला जाता है। क्यों चला जाता है? क्योंकि आपकी जन्म लगन कुंडली में ही बृहस्पति खराब है। अगर आपकी जन्म लगन कुंडली में बृहस्पति खराब, तो गोचर का आपके सर के ऊपर आया हुआ भी आपको अशुभता के ही फल देगा। ये एक पहलू है प्रिय दर्शकों, जिसे आपको पहली बार में समझना है। यही वजह है जिसके कारण मैं आपको जन्म कुंडली पढ़ने की प्रेरणा बार बार देता हूँ, ताकि अगर आप जन्म कुंडली में अपना ग्रह अच्छा या बुरा विवेचन कर पाएंगे, तो गोचर काल का भ्रमण आप बहुत इजीली कैलकुलेट करके सटीक विवेचन के करीब पहुँचते चले जाएंगे। ये पहला पहलू आपने पढ़ लिया उनके लिए जिनकी जन्म लगन कुंडली में बृहस्पति खराब, तो पहले भाव के भी खराब रिजल्ट, पंचम भाव के भी खराब रिजल्ट, सप्तम भाव के भी खराब रिजल्ट और नवम भाव के भी खराब रिजल्ट ही बृहस्पति देव देते मिलेंगे। इसका दूसरा पहलू जो सदैव आपको मैं समझाता चला आया हूं प्रिय दर्शकों, उनके लिए जिनका बृहस्पति केंद्र में पड़ा हो, त्रिकोण में पड़ा हो, अपने कारक भावों में पड़ा हो, कहने का तात्पर्य अगर कहीं भी किसी अच्छे भाव में अच्छी जगह पड़ा होगा और अपनी दशांतरा में शुभ फलकारी होगा, तो यही बृहस्पति देव लगन में आए हुए जातक की पर्सनैलिटी को चार चांद लगा देंगे। एक सूझवान पर्सनैलिटी बन के सामने आएगी। जातक एक ज्ञानवान पर्सनैलिटी लगेगा, सामने वाला उससे राय लेना पसंद करता है। लगन में आए हुए बृहस्पति देवता उसके ज्ञान के चक्षु को इम्प्रूव करेंगे, क्योंकि यहाँ उन्हें दिशा बल मिलेगा। जातक के कर्मों में सात्विकता लाएंगे और जातक बहुत ज़्यादा मान इज्जत इस पीरियड में गेन कर लेता है। यहाँ से बृहस्पति देव ने जितनी दृष्टि पंचम भाव पर डाली, पुत्र संतान प्राप्ति का योग बनाते हैं। जिनके भी संतान होने वाली है या होने के निकट है, वहाँ पुत्र संतान का योग बनता है। लवर मास में कामयाबी मिलती है, अनसर्टेन गेन्स होते हैं। अनसर्टेन गेन्स होने के साथ साथ यही बृहस्पति देवता आपकी माइंड, मेमोरी और विल पावर को स्ट्रॉन्ग करके, उनके ज्ञान का चक्षु खोल करके आपको चौतरफा लाभ अवश्य दिलवाते हैं। यहाँ से बृहस्पति देव ने जितनी दृष्टि सप्तम भाव पर डाली, तो डेली वेजेस के लिए बहुत अच्छा होगा। डेली वेजेस के नित्य नवे रास्ते खोलेंगे। डेली वेजेस में नया रास्ता खोल करके, नया एडिशन होकर के आपकी आमदनी में भी बढ़ोतरी होने का योग बनता है। पार्टनरशिप में कोई पुराना मनमुटाव चला होगा, वो मनमुटाव दूर होकर के आपकी पार्टनरशिप स्मूथ ट्रैक पर आने का योग बनता है। यहाँ पर अगर बृहस्पति देवता सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे, तो अपने आपके दाम्पत्य सुख में भी अच्छा करने में सदैव सहायक सिद्ध होंगे। तो सातवीं दृष्टि जो सप्तम भाव पर डाली, उसके संबंधी भी पूर्ण आपको शुभ फलकारी ही होंगे, क्योंकि आपकी नेटल चार्ट में अच्छे पड़े हैं। यहाँ से बृहस्पति देव ने जितनी दृष्टि नवम भाव पर डाली, तो पिता के लिए शुभ फलकारी होंगे। पिता से बहुत ज़्यादा लगाव होगा इस पीरियड में। पिता की अगर आज्ञा का पालन करेंगे तो और ज़्यादा सुखी होंगे। विदेश यात्रा होने का योग बनता है, धार्मिक यात्रा होने का भी योग बनता है। जातक कहीं ना कहीं रिसर्च में जाने का भी शौकीन हो जाता है। जातक वेदों पुराणों को पढ़ने का भी शौकीन हो जाता है इस पीरियड में। तो कहने का तात्पर्य कि अगर जन्म लगन कुंडली में बृहस्पति अच्छा, तो लगन में आए हुए आपकी पर्सनैलिटी में चार चांद लगा करके आपको चौतरफा लाभ दे करके शुभ फलकारी होंगे। लगन संबंधी अच्छे रिजल्ट, पंचम भाव संबंधी अच्छे रिजल्ट, सप्तम भाव संबंधी अच्छे रिजल्ट और नवम भाव संबंधी भी पूर्णता अच्छे रिजल्ट ही देते मिलेंगे। प्रिय दर्शकों, ये उतने प्रतिशत अच्छे फल देंगे जितने प्रतिशत डिग्री वाइज बलाबल लेकर के बृहस्पति देवता आपकी जन्म लगन कुंडली में बैठे होंगे। ये बात कैलकुलेशन का एक मूल नियम है, इसे सदैव याद रखिएगा। गोचर में चाहे बृहस्पति की डिग्री रोज बदलती हो, लेकिन बृहस्पति देव आपको फल उतने प्रतिशत ही देंगे जितने प्रतिशत आपकी जन्म लगन कुंडली में वो विराजमान होंगे।
अगर जन्म लगन कुंडली में 2-4 डिग्री के विराजमान हैं, गोचर में चाहे भ्रमण करते हुए 15 डिग्री के क्यों ना पहुंच जाएं, आपके लिए सदैव वो 2-4 डिग्री के ही फल देने वाले, क्योंकि आपकी जन्म लगन कुंडली ही आधार स्वरूप नियम है आपके गोचर के रिजल्ट्स को निर्णय करने में। ये बात अगर आपकी समझ में आ गई तो सटीक गोचर पढ़ना आप स्वयं सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, इसका विवेचन कर सकते हैं और फिर आप इसमें कभी गलती नहीं करेंगे, क्योंकि गोचर का आधार आपकी जन्म लगन कुंडली ही होती है। अगर पहली दूसरी बार ये बात आपको ना समझ में आए तो अपने आसपास किसी भी विद्वान की मदद लीजिए और ये जानिए कि आपकी जन्म लगन कुंडली में ग्रह कितना अच्छा या कितना बुरा पड़ा है। अगर आपको इस बात का विवेचन करना आ जाएगा तो सही गोचर आप इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। तो मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना, अगर जन्म लगन कुंडली में ग्रह खराब तो आपको लगन संबंधी खराब रिजल्ट, पंचम भाव संबंधी खराब रिजल्ट, सप्तम भाव संबंधी खराब रिजल्ट और नवम भाव संबंधी भी खराब रिजल्ट ही मिलेंगे। अगर जन्म लगन कुंडली में आपका बृहस्पति अच्छे भाव में अच्छे अंश लेकर के पड़ा होगा तो लगन संबंधी अच्छे रिजल्ट, पंचम भाव संबंधी अच्छे रिजल्ट, सप्तम भाव संबंधी अच्छे रिजल्ट और नवम भाव संबंधी भी आपको अच्छे रिजल्ट ही मिलेंगे। गोचर को एक धागे में पिरोना सही बात नहीं है। हर मिथुन लगन के जातक के लिए बृहस्पति देव चाहे लगन में ही आया होगा लेकिन उनके फलों में बहुत बड़ा बदलाव होगा। हर लगन कुंडली टू लगन कुंडली ये वेरिएबल होगा, किसी के लिए अच्छा भी हो सकता है, किसी के लिए बुरा भी हो सकता है, चाहे लगन कुंडली मिथुन ही हो। तो ये नेटल चार्ट यानी आपकी जन्म लगन कुंडली तय करेगी कि आपका बृहस्पति कितना अच्छा या कितना बुरा पड़ा है। अगर आपकी जन्म लगन कुंडली में बृहस्पति अच्छा पड़ा तो अच्छा फल, अगर बुरा पड़ा तो बुरा फल और उतने प्रतिशत रिजल्ट फिक्स होंगे जितने प्रतिशत डिग्री वाइज बलाबल आपकी जन्म लगन कुंडली में वो लेकर के बैठा हो। तो गोचर का पढ़ना और समझना एक अलग पहलू माना जाता है प्रिय दर्शकों, चाहे गोचर सेम राशि में मूव किया हो, लेकिन उससे पहले आपको जन्म लगन कुंडली पढ़नी आनी चाहिए। जन्म लगन कुंडली के आधार पर ही गोचर अप्लाई होगा। ये बात अगर समझ में आ जाएंगे तो कभी विवेचन करने में गलती नहीं करेंगे। ये बात बहुत छोटी सी है लेकिन तब तक हवा बनी रहती है जब तक ये बात समझ में ना आ पाए। जब ये बात समझ में आ जाती है फिर आपको कैलकुलेशन करना बहुत आसान हो जाता है और मेरी कोशिश इस मंच के माध्यम से यही रहेगी कि आपको सही सटीक इन्फॉर्मेशन देता चला जाऊं ताकि विवेचन करने में कोई दिक्कत परेशानी आपको ना आए। और अगर आप ये एपिसोड किसी भी कारणवश ना देख पाएँ तो हमारा डेली का प्रोग्राम यूट्यूब पर जा कर के भी आप देख सकते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि डेली उसे अपलोड कर दिया जाए ताकि आप उसे देखकर वहां से लाभान्वित हो सकें। किसी कारणवश अगर आप टीवी चैनल पर ये प्रोग्राम ना देख पाएँ तो प्रिय दर्शकों आज का टिप ऑफ द डे देता हूँ, नोट कर लीजिए। शनि राहु केतु से ही जुड़ा हुआ टिप ऑफ द डे देता हूँ। बहुत सारी लग्न कुंडलियाँ हम लोग देखते हैं तो पता चलता है कि शनि राहु केतु के पाप प्रभाव से बहुत सारी कुंडलियाँ पीड़ित होती हैं। कहीं शनि की 7.5 चल रही होती है, कहीं ढैया चल रहा होता है। ऐसी कुंडलियों के प्रभाव में अगर आपकी भी कुंडली हो और आपको भी नेगेटिव प्रभाव मिल रहे हों तो आप शनि राहु केतु का एक साझा सा उपाय होता है, एक चाकू लेकर के जिससे सब्जियाँ वगैरह काटी जाती हैं, अगर मंदिर गुरुद्वारे में जहाँ लंगर बनता हो वहाँ मदद के लिए आप वो लोहे का चाकू लेकर डोनेट कर देते हैं तो वो आपके शनि राहु केतु के पाप प्रभाव को कम करने में बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। तो प्रिय दर्शकों आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ हम सबके लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव। We'll be right back.